अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, चलते हैं जाके चेंज करवाते हैं। महेश की शक्ल देख रहे हैं मैं रोज आता है, मेगा है रोज आता है, ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस ये थी कि सुबह मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं खुद सामने नहीं आई हूँ और आपको डायरेक्ट मैं ले गई हूँ वॉशिंग मशीन में। और मैं जो है ना यहाँ पर कपड़े लगा रही हूँ धोने के लिए, बच्चों का यूनिफॉर्म। एक्चुअली जो है ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी क्योंकि मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, और ना बस उसी वजह से मुझे ज़रा फ्लू टाइप भी हो गया हुआ था, और सुबह में ना मेरी शदीद किस्म की तबीयत ख़राब हुई हुई थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो व्लॉग तो बनाना है, साथ साथ व्लॉग बनाते हैं, तबीयत तो ख़राब है ही, तो आज जो है ना मैं ज़रा वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ और सर्फ़ वग़ैरह डाला है, और बस यहाँ पे जो है ना हमारा जो रोज़ का काम होता है वो स्टार्ट हो गया हुआ था। और बस यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ी देर रेस्ट की बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, इसके बाद जो है ना मैं फिर कपड़े लगाने गई वॉशिंग मशीन में। फिर जो है ना मैंने कहा कि चलो आज जो है ना मैं बनाती हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। मैं बना रही हूँ जी चिकन जलफ्रेज़ी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और आप लोगों को भी रेसिपी दे दूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं उसके लिए एक ये शिमला मिर्च ली है मैंने, और ये मैं कट कर रही हूँ इसको। मैंने इस तरह से कट करके जो इसका ये वाइट पार्ट होता है सारा ये निकाल दिया है, और बाकी जो है ना इसको मैं अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैं इसको क्यूब्स में कट करूँगी। ये इस तरह से जो है ना पहले लंबाई में कट करके फिर इसको क्यूब फॉर्म में कट कर दूंगी सारी। तो बस मेरे पास एक ही शिमला मिर्च पड़ी हुई थी तो मैं कहा चलो एक ही कर लेते हैं, और थोड़ा सा मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था तो सोचा कि चलो आज जो है ना चिकन जलफ्रेज़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और जो है ना खुश होकर खा लेंगे घर वाले। तो खैर बस यहाँ पर जो है ना मैं यही शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। फिर जी मैंने ये ले लिया टमाटर एक, और इसके जो है ना मैं बीच निकाल लूँगी क्योंकि जो है ना, और बीच में साइड पे कर रही थी क्योंकि इसको जो मैं जब प्यूरी बनाऊँगी ना टोमेटोज़ की तो वो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये जो टमाटर है ना ये मैं कट कर रही हूँ वैसे क्यूब फॉर्म में, इसको उस तरह डालने के लिए साबत मतलब डालने के लिए। और इसके जो बीज है ना वो मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने कहा चलो ग्रेवी में यूज़ हो जाएंगे, यानी जब मैं प्यूरी बनाऊँगी ना टोमेटोज़ की तो फिर मैंने वो, तो वहाँ पर जो है ना मैंने टोमेटो प्यूरी के लिए भी टमाटर काट लिए थे। और अब मैं जो है वो प्याज कट कर रही हूँ, तो मैंने दो प्याज लिए थे, एक को जो है मैं ये क्यूब फॉर्म में काटूंगी और इस तरह से जो है ना थोड़े मोटे मोटे से काट लिए, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं मैं करती क्योंकि फिर ज़्यादा खाए नहीं जाते, ज़रा एक हिसाब के ही मैं काटती हूँ ताकि वो खाए भी जाए क्योंकि फिर ज़्यादा बड़े ना अच्छे नहीं लगते। और वैसे तो जलफ्रेज़ी में नहीं होती ग्रेवी, लेकिन जो है ना मेरे घर वालों को ग्रेवी पसंद है, इस वजह से मैं ज़रा ग्रेवी वाली बना रही हूँ, और इस वजह से मुझे जो है ना थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना पड़ा है सिर्फ ग्रेवी के लिए। और यहाँ पे ना मैंने एक दूसरा प्याज जो है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ, और सिर्फ एक प्याज जो है ना मैंने ज़रा बड़े बड़े क्यूब में काटा था। तो बस यहाँ पे प्याज भी कट गए और चीज़ें हमारी कट गई थी, और इसके बाद मैं चलेगी ऊपर क्योंकि कपड़े जो है वो भी धुल चुके हुए थे और मैं इनको तार पर डाल रही थी, और बस ये जो है ना काम हमारे साथ साथ चलते रहते। तो चले जी अब स्टार्ट करते हैं चिकन जलफ्रेज़ी बनाना। और यहाँ पर मैंने पैन ले लिया था एक, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल आप अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं, और इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया जो मैंने प्याज छोटा छोटा चॉप किया था वो ऐड कर देंगे, और बस इसको जो है वो हम ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो प्याज जी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था और तकरीबन हो भी गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, और ये जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था तो इस वजह से ज़रा क्यूब बनी हुई थी, तो फिर मैंने जो है ना इसको थोड़ी देर ऊपर से ढक दिया था ताकि ये जो है ना वो ज़रा पिघल जाए, और वैसे भी ना वो ज़रा छींटे उड़ रही थी तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। फिर ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया मतलब ढीला हो गया, तो फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन किया, फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने चिकन, और चिकन को हम जो है वो तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, और इसको हम थोड़ी देर जो है ना मतलब हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, और यहाँ पे चिकन का जो है ना वो कलर भी चेंज हो गया हुआ है और साथ में हमारा प्याज भी ब्राउन हो गया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो भी भुन गया। तो बस यहाँ पे ना इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, और मसालों में हम बस सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ हल्दी और मिर्च
और सूखा धनिया, ये सबसे पहले ऐड करूँगी और इसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी। और ये पता नहीं झाग क्यों बन रही थी, मुझे समझ नहीं आई, आई थिंक कि ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ना इसकी वजह से इसके अंदर पानी था शायद या क्या था, इस वजह से शायद झाग बनना शुरू हो गई थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। चिकन का पानी तो मैंने सारा ड्राई किया हुआ था तो खैर झाग थी लेकिन ये बाद में बैठ गई थी। फिर खैर इसके अंदर मैंने जो है वो अब नमक ऐड कर दिया था थोड़ा सा, अच्छा सा ज़रा भूनने के बाद चिकन को जो है ना मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें जो मैंने टोमेटोज़ की प्यूरी बनाई हुई थी वो मैंने ऐड कर दी। ये जो है ऑप्शन है, अगर आपने डालनी है, अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप मत डालें। मुझे ज़रा ग्रेवी वाली चिकन जलफ्रेजी चाहिए थी तो इस वजह से मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, टमाटर की प्यूरी। और बस ये जो है ना मैंने कोई जो है, अगर बड़े हैं तो आप 2-3 ले लें और अगर छोटे हैं तो मैंने जो तकरीबन 5 टमाटर डाले थे वो बहुत छोटे छोटे से थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने पेस्ट ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डाल दिया सिरका और सोया सॉस। ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको जो है ना मैं ढक के रख दूँगी ताकि जो है ना चिकन गल जाए और जो है ना फिर हमारा थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाएगा, टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारा चिकन भी जो है ना इसके अंदर ज़रा गल जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ना मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद जो है ना मैंने इसको चेक किया तो हमारा चिकन भी बस थोड़ा सा कुक होना रह गया था और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और इस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चिकन गल गया है या नहीं गला। तो बस इसके अंदर जो है ना अब मैं ऐड करूँगी, मतलब फिर मैंने उसको 5 मिनट के लिए दोबारा से ढक दिया था और फिर हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल गया था। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया ये दही की 2-3 टेबल स्पून दही मैंने ऐड कर दिया था। तो दही ऐड करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे ज़रा भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा भुन जाए अच्छे तरीके से। और फिर जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे केचप, और ये जो मेरी केचप है ना बॉटल में ये थोड़ी रह गई थी तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी केचप और ऐड की थी इसके अंदर। और बस मैंने इसको ज़रा हाई फ्लेम पे ये ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था केचप को। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया सबसे पहले प्याज। प्याज हम इसलिए सबसे पहले ऐड करेंगे क्योंकि अगर हम जो सब्ज़ मिर्च है ना मतलब कैप्सिकम जो है अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो ज़रा प्याज करेंगे ऐड और फिर इसको हम ज़रा पहले थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर काली मिर्ची क्योंकि जो है ना ये मैं एंड में ऐड करती हूँ। तो ये मैंने जो है वो काली मिर्ची ऐड कर दी, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये भी मैंने बाद में जो है ना थोड़ी सी और डाली थी क्योंकि मुझे जो है वो मिर्चें कम लग रही थी इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने काली मिर्ची डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए कैप्सिकम और साथ में जो टमाटर हमने काटे थे ये भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे इसको ज़रा सा अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। ये जो है ना तकरीबन हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी हो गई है और इसके अंदर जो है ना मुझे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें जो है वो कम लग रही थी तो फिर मैंने दोनों चीज़ें दोबारा ऊपर से ऐड की थी। तो इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया क्योंकि मुझे भी कम लग रही थी तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस ये जी हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी हो गई है। साथ जी मैंने कर लिए थे थोड़े से चावल बॉयल, मैंने कहा चलो घर वाले ज़रा खुश हो गए खा लेंगे। और मैंने फ्राइड राइस नहीं बनाया, मैंने सिंपल बॉयल्ड राइस कर लिए थे इसके साथ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ, वैसे तो अभी टाइम नहीं हुआ था खाने का लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और भी ये बहुत ही मज़ेदार बनी है चिकन जलफ्रेजी, मैंने भी काफ़ी टाइम बाद बनाई है, मुझे भी बड़ी मज़ेदार लगी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी जी मैं जा रही हूँ गीगा मॉल क्योंकि मैंने जो है ना अर्शमान के बॉक्सर शॉर्ट्स मंगवाए थे और वो जो है ना छोटे निकल आए थे। मैं जो है ऑनलाइन मंगवाए हैं और वो साइज़ जो है वो छोटा निकला है। अब कब से मैंने जाना था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा फाइनली जो है ना जाती हूँ और चेंज करा के आती हूँ। तो अल्लाह करे कि वो चेंज कर लेंगे, हुए काफ़ी दिन भी हो गए, शायद कर तो लेंगे। सेल से नहीं मैंने मंगवाए थे, वैसे ही मंगवाए थे। तो बस अभी मैंने कहा चलो बच्चों के आने से पहले ना मैं जल्दी से गीगा मॉल से होके और फिर घर आती हूँ, वापस आऊँगी तो बच्चे भी आ गए होंगे, तो फिर दोबारा जो है ना टाइम ही नहीं मिलता जाने का, शाम हो जाती है फिर पढ़ाइयाँ वगैरह ये वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस अभी मुझे जल्दी से टाइम मिला, मैंने कहा चलो चलते हैं और जाके ना पहले ये काम करके आते हैं। अब स्पेशली मैं उसके लिए जा रही हूँ, भागी भागी जाऊँगी सिर्फ एक शॉप पर, उधर से करा के चेंज और फिर वापस आ जाऊँगी। बस अभी चलते हैं। चलो जी मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ शॉप पर, चलते हैं जाके चेंज करवाते हैं। और अदील जो है वो गाड़ी में ही है और मैंने कहा तुम जाओ भाग के चेंज करा के ले आओ, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही जाती हूँ। अब चलते हैं अंदर, फिर आउटफिटर से मैंने लिए थे
शॉर्ट्स और छोटे आ गए, हालांकि इतने बड़े साइज़ मंगवाया फिर भी छोटे थे, तो अब जो है मैं चेंज कराती हूँ और मैंने कहीं इधर उधर नहीं देखना। तो ये हैं जी शॉर्ट्स जो मैंने ली हैं। मैंने सोचा कि अभी आपको साथ ही दिखा देती हूँ, जब जो है ना सेल्समैन पैक कर रहा था इसको, तो वैसे इसके बाद जो है ना मैंने देख रही थी कि काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी आउटफिटर्स पे, और ये जूते मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे ज़ेवी के लिए, लेकिन बस वो क्या है कि वो ले लेके रखती रहती हूँ और वो पहनता है नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा उसको छोड़ो, लेने की क्या ज़रूरत है ऐसी। तो चलिए जी फाइनली चेंज हो गया और अब मैं जा रही हूँ, अभी वहाँ भाई मेरा वेट कर रहे होंगे तो हम चलते हैं। तो भाई अदील वहाँ से आ रहे हैं, मैं यहाँ पे रुक गई, अदील आएंगे और जो है ना मुझे यहाँ से पिक करके उधर ही जाना, तो वो बस वहाँ से आ रहे हैं। जी मिल गया साइज, हाँ जी कर लिए थे। हमारी और भी बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है बच्चों के कपड़ों की, लेकिन बहुत है ना इनके कपड़े ऑलरेडी इतने ज़्यादा, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर कपड़े ले लिए थे बच्चों के, जब सेल लगी थी ना विंटर सेल, जब क्लियरेंस सेल लग रही होती है तब मैंने बच्चों के कपड़े ले लिए थे दोनों के काफ़ी ना, तो इस वजह से मुझे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेल से लास्ट ईयर सर्दियों के कपड़े जो है ना ले लिए थे, तो बस इस दफ़ा मैंने गर्मियों के नहीं लिए इनके सेल से, वरना मैं हमेशा एक साल पहले ना मतलब जब एंड हो रहा था ना वो ले लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो चल जाए, सेल से ले लेती हूँ कपड़े, या कभी बीच में सेल लगती है तो वैसे ले लेती हूँ। तो खैर अभी तो कलेक्शन अच्छी आई हुई थी, ले लूँगी जब अगर दिल किया कभी तो जाके। अभी तो बहुत है उनके कपड़े, उनकी जो कबर्ड है ना वो फुल हो चुकी हुई है, बिल्कुल यहाँ तक आ चुकी हुई है, बिल्कुल जगह भी नहीं है रखने की, शुक्र है चेंज हो गया। 13-14 साइज आया, वो भी मुझे जो है ना बस मुश्किल से ही लग रहा था, ये सीज़न ही निकलेगा एक ही, उसके अलावा नहीं, और उससे ऊपर जो है वो मतलब जो मेंस का स्मॉल साइज़ होता है ना वो है, ये मैक्सिमम बच्चों में साइज़ है, तो वो इतने छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, अजीब से मैं समझ नहीं आई इनके साइज़ के, बहुत ही छोटे छोटे से बनाए हुए हैं। तो खैर हो गए चेंज ना, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं भी कह रही हूँ यहाँ आके क्या ढूंढ रहे, सीधा निकलना था ना। हाँ चलो चलते हैं घर, बच्चे भी अभी तो नहीं आए हैं, अभी तो टाइम है ही है, लेकिन बच्चे तो खुद ही आ जाएंगे, उन्हें हमें पिक करने के लिए, हमें पिक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब तो उन्होंने पिक कर ही लिया होगा वैन में। अभी हम छलियाँ ले रहे हैं, छली रेत वाला ले रहे हैं हम। बच्चों के लिए भी ले रही हूँ, मेरे बच्चों को कौन बड़ी पसंद है, तो वो कहेंगे कि हमारे लिए भी तो अभी थोड़ा टाइम रह गया बच्चों का, तो चलो खा लेंगे कॉर्न। शॉपर में डाल दो जी, एक शॉपर में डाल दो। ये जी हमारी कॉर्न आ गई, रेत वाला छली किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छली वाले भाई कहते हैं ये रोज आता है, आखिर आप रोज आते हैं है? किसके साथ आते हैं आप? कैसे ये भाई तो रोज आता है, अच्छी चली देना, ये भाई तो रोज आता है, इसे पता नहीं चल मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं, मैं तो रोज आता है, मैं मेगा है रोज आता है, ये कौन है रोज आता है, वो मिक्स कर रहा है चली में लगे से, अब मिक्स कर रहा है या नहीं कर रहा तो वो अलग बात। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस मेरी ड्यूटी है तो मैं नहीं पता। हां ऑफिस से मुझे लगता है आपने आते हुए कोई एक दो दफा ली है, एक दो दफा ली है, लेकिन बंदा ने थोड़ा याद रखा है भाई, ये बंदा रोज आता है। तो चले जी इसके बाद बच्चे आ गए थे घर स्कूल से, इनको मैंने शावर वगैरह दिया और बस खाना शाना खाया, सबको बड़ी पसंद आई चिकन जलफ्रेजी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलें जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।